पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनवरी 2023 के बाद मुरादाबाद ने अनेकों ऐसे नए कार्य किए जिनसे शहर के निवासियों की राह आसान हुई है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी कमिश्नर मुरादाबाद के नेतृत्व में कार्य करके विभाग का नाम भी रोशन कर रहे हैं। एमडीए में बनी उपाध्यक्ष एवं सचिव की जोड़ी ने मिलकर लखनऊ में विभाग का डंका बजवाया है। बकायदा एमडीए उपाध्यक्ष शैलेश कुमार और सचिव राजीव पांडे की लखनऊ में हौसला अफजाई की गई है। विकास प्राधिकरण के सचिव राजीव पांडे बताते हैं कि कमिश्नर आंजनी कुमार के निर्देशन में उपाध्यक्ष एवं स्वयं सचिव मिलकर कार्य कर रहे हैं और शहर मुरादाबाद को विकसित कर रहे हैं। एमडीए सचिव राजीव पांडे का कहना है कि जनवरी 2023 के बाद से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने सभी संपत्तियों का सर्वे कराकर ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया है। साथ ही एमडीए की आय में बढ़ोतरी की है। सेक्टर 16 बी में बने सभी मकान एमडीए ने पूर्ण रूप से बेचकर आय में बढ़ोतरी की है। जनता की सहूलियत के लिए एमडीए का ऐप बनाकर जनता को समर्पित किया है। सबसे अहम आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एमडीए के सचिव राजीव पांडे का कहना है कि ये सब एमडीए की पूरी टीम की मेहनत और लगन का परिणाम है कि शहर तेजी से विकसित हो रहा है। इनका कहना है कि बहुत जल्द शहर की जनता को और भी कई नई सौगातें मिलने वाली है। 1 जनवरी 2023 के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान दिया और उसको पब्लिक ग्रीवांस के लिए आगे लाया। सबसे पहले हम लोगों ने आईजीआरएस को सुदृढ़ीकरण किया और लगातार 3 महीने पहली पोजीशन प्राप्त की। शिकायतों का निस्तारण, लोगों की सुनना और पटल पटल का निस्तारण कराना पूर्वता। दूसरा, जो संपत्तियों का ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन हम लोगों ने फीडिंग करा दी। पूरी कोई भी संपत्ति प्राधिकरण की शेष नहीं है जो कि ऑनलाइन ना हो, जिसको कोई भी आमजन देख न सके। इस तरह से संपत्तियों के विक्रय पर प्रभाव पड़ा और उसकी आय पर भी प्रभाव पड़ा, जिससे कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की आय अचानक तेजी से बढ़ गई। 16B सेक्टर नया मुरादाबाद का कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जो उस पर पहले शेष से अब विद्या है। शेष एक एक पर संपत्तियों को बेचने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ एक ऐप का उद्घाटन आदरणीय कमिश्नर साहब द्वारा किया गया, जो ऐप ये यहाँ की संपत्तियों के संबंध में और विभिन्न जानकारियों के संबंध में है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के इस ऐप से प्राधिकरण और मुरादाबाद की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और अपने कमेंट और अपनी ऑनलाइन व्यवस्था की गई, जिससे विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ हम लोगों ने इसके बाद रेटों को ऑनलाइन कराया। सारे रेट और विवाद जितने चल रहे थे उन विवादों को एक सूत्र में लेकर के एक एक बात को चालू किया। अवैध कॉलोनियाँ, अवैध बने हुए विस्तार को हम लोगों ने चिन्हांकन किए हैं। उन पर विभिन्न प्रकार के स्तर पर विभिन्न कार्रवाइयाँ चल रही हैं और उनकी जाँच उपरांत बहुत सारे प्रकरणों का संज्ञान में लेकर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।